आज का प्रेरणा पाते गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल पुराने जन्म में सब पुराने समय में हुआ करते थे, वेद उपनिषद स्मृति और हमारे तो दो त्रिपिटक और आत्मों का जो युग था वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का युग था। उस वक्त के अंदर जो गुरु होते थे प्रकृति की गोद में रहते थे और वहाँ अपना आश्रम बनाते थे, जैसे कि विशिष्ट मुनि, भारद्वाज मुनि, कपिल मुनि, बहुत बहुत मुनियों की लंबी श्रृंखला है। वो सात्विक जीवन रह करके नदी के किनारे अपनी कुटिया, जैसे राम और लक्ष्मण की बात करें तो वशिष्ठ मुनि के पास शिक्षा लेने के लिए गए थे और 25 साल की उम्र ब्रह्मचर्य आश्रम में पुराने समय के अंदर उस गुरुकुल के अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के हर जो है वो विद्यार्थी को रहना पड़ता था, वो गुरु से शिक्षा लेता था। गुरु का अर्थ का मतलब वह व्यक्ति जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है, अज्ञान को अंधकार को दूर करने का मतलब विनय का भाव पैदा करना, सब गुणों का रोपण करना। गुरुकुल प्रणाली के अंदर गुरुओं का रोपण किया जाता था, संस्कार दिए जाते थे। क्यों? प्राकृतिक माहौल था, कल कल बहती नदियाँ और चिड़ियों की, जानवरों की चहचहाहट, पक्षियों का घूमना और चारों तरफ जो है अच्छी अच्छी सीनरी, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, व्यक्ति उनको मात्र देख के आनंदित हो जाता था, प्रकृति को निहारता था। प्रकृति की गोद में रह करके गुरुकुल प्रणाली दी जाती थी और हमारे 5 जो मूल घटक है प्रकृति के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन सभी शुद्ध घटकों का विद्यार्थी उपयोग करता था, गुरु के प्रति ऋण उतारता था और वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में एक आइडियल विद्यार्थी बन करके आता था। वह उस कारण से अच्छे इंसान बनते थे।